मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। मम्मी नहीं क्या? इतनी दूर से कौन पैक ट्रिपलिंग तो देखियो क्या? देखो इनकी तो हालत खराब हो गई, हालत खराब हो गई इनकी तो। तो इन दोनों को टिक्की में बैठा दिया है भाई। हम कंफर्टेबल है, तुम बैठ जाओ आगे जाके। आज तो फाइनली सूरज देवता निकल ही गए, सूरज भगवान के दर्शन हो ही गए। और देखिए मौसम भी पूरा खुला खुला सा है, बादल है नहीं और हवा भी चल रही है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। दोस्तों आज का जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अपने घर की छत से, और आज मौसम एकदम खुला खुला सा है तो काफी दिन बाद धूप देखने को मिल रही है, वरना पिछले तीन चार दिन से तो बारिश ही पड़ रही थी। आज है गणपति विसर्जन, तो जो गणपति बप्पा हम लोग 10 दिन पहले अपने घर लाए थे आज उनका विसर्जन करेंगे। तो विसर्जन करने के लिए पहले हम लोग सोचे थे कि बैराज जाएं, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर बैराज गंगा है हमारे घर से, तो पहले सोचे थे वहाँ जाएं, लेकिन फिर वहाँ नहीं जा रहे तो आज घर में गणपति विसर्जन करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं नीचे और गणपति पापा की आरती वगैरह पूजा वगैरह करते हैं और फिर विसर्जन की तैयारी करते हैं। और यहाँ देखिए कंचन जी ने पूजा की तैयारी कर दी है भाई। आज क्या है कंचन? आज गणपति विसर्जन है। गणपति विसर्जन है इसलिए कंचन ने सुबह सुबह बढ़िया से मंदिर सजा दिया है, तो पहले पूजा करेंगे फिर गणपति विसर्जन करेंगे थोड़ी देर में। तो विसर्जन का जो टाइम है वो है 8 से 8:30 बजे तक, तो हमें 8 से 8:30 बजे के बीच में विसर्जन करना है। तो भाई टाइम है क्योंकि उसके बाद कनागत लग जाएंगे, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी उठे हैं, जल्दी से पूजा करते हैं फिर बप्पा जी का विसर्जन करेंगे। तो दोस्तों पूजा वगैरह डन हो गई है सारी की सारी, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, भैया ने बता दिया कि विसर्जन करेंगे हम लोग गणेश जी का घर पर ही। तो छत पे सारा का सारा सेटअप, मतलब सेटअप नहीं, जो जहाँ पे हम विसर्जन करेंगे पानी वगैरह हमने रेडी कर रखा है, पूरी तैयारियां हो गई हैं छत पे। हाँ, अब भैया आप कुछ कह रहे थे? कोई भात ज्यादा तो दही चीनी खिलाई जाती है, ऐसी गणेश जी को भी दही चीनी खिला रहे हैं। बप्पा जी जा रहे हैं, हाँ, अगली मुंह मीठा कर रहे हैं, बप्पा जी खुश हो गए जाएंगे तो अगली बार जल्दी आएंगे। निवेदन है कि जल्दी से जल्दी वापस हमारे घर में आ जाना। मोरिया मोरिया उठा दिया करनी जी, मोरिया। तो भैया चल दिए हम लोग बप्पा का विसर्जन करने, और सबके सब देखो सबके सब पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। बुआ भी आ गई, मोरिया मोरिया। आ जाओ भाई पप्पा जी को लेके चलते हैं विसर्जन के लिए छत पे। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया मोरिया। और देखो भाई ये तैयार रखा है जहाँ पर हम विसर्जन करेंगे। भाई पानी में उन्होंने क्या क्या गिरा? हल्दी, हल्दी, अच्छा चंदन है, सब कुछ। जैसे जैसे विसर्जन होता पूरा तैयारी कर दी है, तो बैराज गंगा पे नहीं गए हम लोग और घर पे हम लोग विसर्जन कर रहे हैं। और बैराज गंगा पे ना जाने का रीजन है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले विसर्जन करते हैं। चलो भाई पहली डुबकी, गणपति बाप्पा मोरिया मोरिया, पहली डुबकी लगवा दो बाबा को। ये लो बाबा जी मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो भाई कर दिया हमने बाबा जी का विसर्जन, पापा जी भी हमारे घर से चले गए, अब दोबारा आएंगे पापा जी, जल्दी आएंगे। हाँ लाओ भैया प्रसाद खिला दो जल्दी से हमें। तो भैया प्रसाद बांट दिया। तो भैया विसर्जन वगैरह सब कुछ हो चुका है और अब भैया देखो प्रसाद वगैरह बांट रहे हैं सबको, प्रसाद बांट दिया है। और मुझे एक बात समझ नहीं आई कि बैराज हम क्यों नहीं गए, तो ये बता दो मुझे बस एक बार। कंचन बताएगी, कंचन बताओ जरा। हम बैराज इसलिए नहीं गए क्योंकि जो मूर्ति होती है वो उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, कुछ हो जाता है तो पैरों पे लगती है, प्रॉपर तरीके से गलती नहीं है तो फिर बहती रहती है, तो किसी के पैरों वगैरह पे लगती है तो वो भी अच्छा नहीं होता, इसलिए हमने घर पे विसर्जन करा। तो जब पूरी तरीके से मूर्ति गल जाएगी तो उसके बाद इस पानी को हम किसी पौधे वगैरह में डाल देंगे, और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे में नहीं डालना ये पानी। हाँ। बाकी किसी हाँ। ज्ञान की बात बता दी, ज्ञान की बात। नीचे जाने के बाद ना जब हम कमरे में घुसेंगे तो वहाँ पे जहाँ पे बाबा जी रखे हुए थे वहाँ पे खाली खाली चलेगा, है ना? हाँ, वहाँ खाली खाली रहेगा और अजीब सा लगेगा स्टार्टिंग में। तो मैडम जी अब कहाँ चल दी हो तुम? अब हम जा रहे हैं गाय को प्रसाद देने, क्योंकि हमारी जो परंपरा है उसमें तो यही है कि सबसे पहले गाय को प्रसाद देते हैं, इसीलिए हम गाय को प्रसाद देने, गाय माता को प्रसाद देने जा रहे हैं। गाय हमारी माता है और लाली है हमारी गाय।
पहला प्रसाद देंगे वो हम देंगे अपनी लाली गाय माता को। तो लाली तो हम प्यार से कहते हैं। लोग सोचोगे प्रसाद तुमने पहले खा लिया, पर ये दूसरा वाला प्रसाद है जो हमने पूरे 10 दिन गणेश जी के पास रख रखा था, वो प्रसाद अब बटेगा। वो किस चीज का था? नारियल का था ना? नारियल और गुड़ का प्रसाद। नारियल और गुड़ का प्रसाद था। तो ये पूरे 10 दिन गणेश जी के चरणों में रखा था, तो अब वो प्रसाद बटेगा। तो सबसे पहले गाय माता को खिलाओ। डर तो नहीं लग रहा? लग रहा है थोड़ा थोड़ा। खिलाओ लाली। तो थोड़ा सा इसे भी दे देना चंदा को। इसे चंदा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सर पे चांद है ना, तो इसलिए चंदा कहते हैं। ओ भाई कंचन शांत बिल्कुल नहीं है। हाँ ये गाय डरा है। कंचन मारती भी है वो। हाथ से खिला दो ना, कोई नहीं। अरे ऐसे हाथ रखो। हाँ खा लेगी। अरे नहीं कुछ नहीं करेगी। कुछ नहीं हो रहा है। अरे कुछ नहीं करेगी, खा लेगी। क्या क्या ऐसे रखो क्या कंचन? उधर करो, इसमें से खा लो प्लीज। प्लीज देखो ऐसे खाती है। हटो मैं खिलाता हूँ। तो दोस्तों देखो मैं खिलाऊंगा। लो लाली ले लाली लाली। तो भाई अब ये मुझे दिखा रहे हैं खिला के कि ऐसे खिलाया जाता है। ये खुद नहीं मैंने खिलाया, थोड़ा सा नीचे गिर गया जीभ से। ये देखो हाथ से खिलाया दोस्तों। मैं नहीं डरता क्योंकि हमारी लाली है प्यारी सी। हाँ। अब देखो ऐसे भी खिलाऊंगा मैं। चंदू मंदू चंदू जल्दी से खा। ये तो प्यार से खा रही है, प्यारी गाय है ना तो प्यार से खाएगी। इसको तो मैं भी खिला देती। खिलाना जरा, रुको मैं खिलाती हूँ। लाओ लाओ मुझे दो, लाओ मुझे दो। हाथ से खिलाओ, लो हाथ से खिलाओ। ये देखो देखते हैं दोस्तों डरेगी कि नहीं डरेगी। आगे करो, डर तो रही हो तुम। अरे यार खा ले, खा ले भाई। अरे भाई वो वेजिटेरियन है, हाथ नहीं खाएगी। अरे हाथ नहीं खाएगी पर लो देखो दोस्तों खा लिया, चाट चाट के मेरा हाथ गीला भी कर दिया। गाय को खिलाना पता कितना पुण्य का काम होता है। पता है तुमने सुबह सुबह पुण्य का काम करा है। और मैं रोज ही पुण्य का काम करती हूँ भाई। अच्छा आपने आज नोटिस किया है। तो भाई गाय को भी इन्होंने प्रसाद खिला दिया और मेरे दिमाग में आ रहा है एक चैलेंज। भाभी एक चैलेंज कर सकती हो क्या? लाली के पैर छू के दिखा दो। चलो करो, क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। भैया तो कर सकते हैं, तुम करके दिखाओ। जाओ तो जाओ जल्दी। कंचन कम ऑन, यू कैन डू इट। कंचन कम ऑन, यू कैन डू इट। करो। हमारी माता थोड़ी गुस्से वाली है। गुस्से वाली नहीं हो, कुछ नहीं कहेगी। लाली हमारी लाली छोड़ो। मैं ट्राई कर रही हूं, बहुत फटका रहा हूं। लो जाओ जल्दी। मम्मी ने मम्मी नहीं क्या? इतनी दूर से कौन पैर छूता है? ऐसे पैर थोड़ी छू जाते हैं। सही से छुओ, सही से छुओ। अरे नहीं लाली करो, एक लात मार देगी, मैं पता नहीं कहाँ गिरूंगी। कोई नहीं, ये लो छू दिया भैया ने भी। अब तुम छुओ बस। अरे छू दो, कुछ नहीं कहेगी। छुओ मार देंगी। भाभी के बस की तो है नहीं कि लाली के पैर छू दे। देखो मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है भाई, अब इसमें कोई शक आने वाली। ये थोड़ा सा डर नहीं था, ये बहुत ज्यादा डर था। मैंने छुआ है गाय को, ठीक है? देख लो भाभी के बस की तो है नहीं पैर छूना, मेरे भी नहीं थी, वो बात अलग है। A few moments later. तो अभी नीचे आके मैं यहाँ पे गणपति बप्पा जी की जो चौकी थी वो उठा रही थी, मतलब यहाँ पे थोड़ी सफाई कर रही थी चौकी उठा के। और इतना बुरा लग रहा है ना कमरे में, अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है जैसे खाली खाली हो रखा है कमरा। यहाँ देखो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बप्पा जी के बिना। और ना इन दिनों में ना आदत हो गई थी कि यहाँ पे गणपति बप्पा जी रखे हुए थे तो देखने की आदत हो गई थी, पर अब क्या ही कर सकते हैं, अब अगली बार आएंगे बप्पा जी तो उनको ज्यादा दिन के लिए बैठाएंगे हम अपने पास। तो शाम के 6:30 बज गए और हम आ गए थे ऊपर छत में घूमने, और मौसम दोबारा बारिश का होने लग गया ठंडा ठंडा। और आज हमारे साथ एक नए मेंबर भी है। हाँ नए मेंबर नहीं, पुराना मेंबर है। सबसे पुराना मेंबर ये, पर ये आया है। अरे मतलब आए तो आ जाओ आप व्लॉग में। क्या कह रही हो? बाबा आदम के जमाने। और क्या, दादी से पहले का। दादी से बूढ़ा है। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। और प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? 4 बार कराई है उस पे, हड्डियां निकलवाई। इधर आ जरा, बहुत खर्चा हुआ भाई, कई करोड़ रुपए तो इसकी सैलरी पे खर्च कर देता हूँ मैं। तो भाई शिवम आया था दिन में और जा रहा था, हमने ही रोक लिया। अभी कितने दिन रुकेगा ये पता नहीं। टांग के बाहर खड़े थे, हमने कहा यहीं रुक जाओ। कितने दिन रुकेगा ये तो बता दो। पिछली बार इतना रोक लिया था कि भाई पिलक के गया था। और देखो हर्ष चौहान भी आ गए हैं। और हर्ष क्या हाल है भाई? बहुत दिनों बाद आप मेरे व्लॉग में देख रहे होंगे। ये भाई साहब आजकल पता नहीं कहाँ बिजी रहता है, दोस्ती यारी करने लग गया है, ग्रुप में रहता है, ग्रुप में।
जिला बिजनौर का शेर है। आज तो वैसे तो धूप ही थी दोपहर में, पर शाम को मौसम थोड़ा ठंडा हो गया तो इसलिए छत मार रखे थे। अब हल्की ठंडी ठंडी से हवा चल रही है। जितना जितना सितंबर आगे जा रहा है ना, उतना उतना मौसम में बदलाव आ रहा है, ठंडा ठंडा बना रहा है। लग रहा है कि 15-20 दिन बाद अच्छी खासी ठंड हो जाएगी। क्यों ठंड हो जाएगी? और कंचन की पहली सर्दियाँ और पहली दिवाली बिजनौर में तो पहली सर्दी है। अब नहीं, मैं तो तुम्हें वैसे देख रहा हूँ, डर गई मेरी आंखें देख के। मैं तो तुम्हें वैसे देख रहा हूँ, डर ही नहीं हूँ मैं आपको सस्पेंस की। किसकी एक्टिंग कर, कहाँ की एक्टिंग कर रहा तू, ये तो बता दे। नाव बड़ा वाला झूला। तो भाई ये मेले की बात कर रहा है, जो बिजनौर में आजकल मेला आ रखा है। पूछ लो तुम, आज तुम्हारा प्लान बन रहा है जाने का? पता नहीं क्या, तो रहता है, जा सकते हैं, अभी कुछ नहीं पता। तो बड़े वाले झूले में झूलने वाले हो क्या आज? पता नहीं, हाँ झूलेंगे, क्यों नहीं झूलेंगे। पर भैया आप अपना बताओ, आज झूलोगे नहीं? मैं झुलवाऊंगा, मैं तो झूल ही लूंगा, मेरा क्या है। हगीज रख लेंगे साथ में तेरे लिए। अच्छा मुझे लगा मुझे क्या रहा, सॉरी यार, इसके लिए रखेंगे हगीज। तो दोस्तों जैसा कि हमने शाम को आपसे कहा था कि हम जा सकते हैं शाम को रात को नुमाइश, तो देखो सारी की सारी जनता बाहर आ गई नुमाइश जाने के लिए। क्या कह रहे हो भैया आप? कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा तू घर पे रुक जा। अच्छा रुक जाऊं मैं घर पे? रुक जा, तेरी मर्जी है। ये लोग तो जा रहे हैं गाड़ी से और स्कूटी से भी, दो लोग चले गए, कोमल जी और रिंकी जी। यार हम जाएंगे अपनी धन्नो से, स्प्लेंडर से। तैयार हो तुम लोग? भैया आराम से बाइक पे, और अगर रास्ते में पुलिस वाले ने पकड़ा तुम देखोगे, तुम संभाल लो भैया। देखोगे क्या? मेरी आंखों में चौंध मारेगा क्या? अरे तीनों देख लेंगे। छोड़ो इन्हें, छोड़ो भाई, चला निकलना चाहिए, बट डर इस बात का है। बाकी चलते हैं जल्दी नुमाइश और झूलते हैं झूले नाव में। भैया ये लोग तो बाग में लेके आ गए, रात को देखना सुनसान पड़ा बाग, और रात को बाग में लेके आ गए। अगर भैया गुलदार गुलदार मिला ना, हम तुझे छोड़ दे, मुझे भी छोड़ोगे तुम? आगे वहीं चल रहे सीधा ललित जी वाले घर पे। इन दोनों को ताऊ पहले उतार के चले गए थे स्कूटी से। अब आओ पैदल 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 आओ, हमें जाने में टाइम लगेगा, ताऊ ने इतनी आगे छोड़ दिया। हाँ तो जाओ पैदल पैदल जाओ। भैया आज तक हमने ट्रिपलिंग तो देखी होगी, देखो हम कितने जने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 5 जने बैठे हैं हम लोग भाई एक बाइक पे। अब लगा लो, देख रहा है तो बहुत डर लग रहा भाई, बहुत डर, मैं कोमल चली जाएगी पीछे, गिरेगी तो गिरेगी कोमल पीछे वाली। और भैया देखो टंकी में बैठे भाई, बिल्कुल देख रहे हो कितने रिस्की बन रहे हैं आज। लो जी ये लोग भी आ गए। अरे नहीं पता नहीं, मुझे लग रहा कि हम 5-5 एक उसमें बैठ गए हैं, एक बाइक में हम 5-5 एक बाइक में बैठ गए हैं। आज क्यों भैया रिस्की बन गए थे, कह रहे 5 बैठो। बहुत अच्छा, अभी तुम्हारा चलान करवाता हूँ। मेरे वीडियो, मेरे चैनल में ये वीडियो नहीं आएगी भाई, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। 10-10 वाले 5 चलान। कौन सा झूला झूलना है भैया तुम्हें? ये क्या होता है, क्या होता है बताओ, कोई सा झूला होगा? आपको कौन सा झूला झूलना है? झूला कौन सा झूलना है? झूला क्यों उल्टी आती है? उल्टी सीधी कर देना उल्टी को। 3 मेंबर तो कम हो गए, भाभी भैया और सूरज भैया। सूरज भैया तो पहली मना कर रहे थे झूलने को, और हम देखते हैं हम कौन सा झूला झूलेंगे। पर मेरा तो भैया नाव है, मेरे नाव में चलना है, अभी मना कर रहे थे अभी। हाँ चलो चलो नाव में चलते हैं जल्दी से, और दिखाते हैं आपको भी कैसे भाई हरण खराब हो चुके हैं। तो भैया ये देखो सारे के सारे झूले, ये रहे इतने सारे झूले, और एक वो भी है, ये भैया बुला रहे। क्या कह रहे हो? झूले में हाँ नाव में चल रहे, नाव में डर तो नहीं, डरेगा तो नहीं? हाँ जी, और मैं नहीं डर रहा, अपना बताओ। कंचन नाव में डर लेगा अभी है ना? पहले और तक ये दोनों तो बैठे हुए हैं। तो भाई आज ये कोई डेयरिंग करने वाले हैं, पता नहीं कौन कौन बैठेगा, कौन कौन रहेगा। 3-4 जने तो कैंसिल है, भैया देखो मम्मी यार मिला के बैठ गए। देखो चल गए भाई, जगह घेर ली अपनी पहले ही। हाँ सबसे आगे बैठे हैं ये दोनों, ये देख रहे हो कितने मजे झूले भाई। सबसे आसान झूले में ये दोनों पहले बैठे, हम देखते हैं हम किस बैठेंगे। ये रहे डर लग रहा है, उन्हें अब भी डर लग रहा है। मजा आ गया, मजा आया, मजा आ गया, नहीं आया नशा हो गया, नशा हो गया भाई। भैया पहुंच गए टिकट लेने नाव की, और इसमें जाएंगे हम नाव में। अभी ये चल नहीं रही, अभी जैसे ही हम जाएंगे इसके अंदर तभी चलनी शुरू होगी। और भाई वहाँ वहाँ तक जाती है, उच्ची उच्ची जाती है ना, सीधी खड़ी हो जाती है नाव। ले टिकट,
कितने? ये टिकट 5 टिकट। आप भी आ रहे हो क्या? नहीं मैं नहीं जा रहा। पहली हार मान लीजिए, ये आ गई टिकट 5 की 5 और अब हम भी चलते हैं अंदर। आओ, पता नहीं कौन कौन आ रहा है अभी तो पता भी नहीं। भैया हमारा तो सेकंड राउंड लगा, देखो नाव पहली बारी में चल गई और हम वेटिंग में खड़े हैं। देखो हम सब के सब वेटिंग में खड़े हैं अभी। वो देखो भैया ने कहा था ना सीधी खड़ी हो जाओ, पर जा गए देखो कहाँ कहाँ जा रही भाई। बैठो जल्दी, सीट घेरो पीछे वाली। भाई जाने में भी डर सा लग रहा है। अरे देखो ये कितने रिस्की बन रहे हैं, कहाँ बैठोगे भाई? आगे चलो थोड़ी सी और। सीएम भैया गाइड कर रहे हैं सबको कहाँ कहाँ बैठना। बैठ भाई, और हम दोनों कहाँ बैठेंगे? हाँ हम दोनों आ गए सबसे, मतलब सबसे पीछे नहीं बट हाँ काफी पीछे आ गए हम। अरे वो पीछे इतनी जगह बाकी है, आ जा तू भी आ जाए। हाँ भाई डर तो नहीं लग रहा, डर तो नहीं लग रहा तुम्हें? तो बीच में क्या, ये देखो खाली पड़ी इधर, इधर मैं बैठा इधर भैया हैं, कोने में बैठ जाऊँ? ले ना भाई, कहाँ है भैया? भैया दिख नहीं रहे मेरे को। देखो भैया दिखाता हूँ आपको, और वो देखो कहते बीच जनता में हाई कर रहे हैं भाई। सूरज भैया कह रहे थे कि और ऊपर बैठ जाओ, और ऊपर तुम्हें एक चीज़ और पीछा कर। देखो सीएम भैया यहाँ, वो तीनों आगे और मैं अकेला पीछे बैठा हूँ। अब हालत ख़राब हो गई, देखेंगे बाद में। तो भाई दूसरा थोड़ा सा चल गया, मेरे को फोन ना बहुत ढंग से पकड़ना पड़ेगा। बाकी आप देखो हाँ तेते जो लग गया धीरे धीरे जुलाए रहे हो, और ये सीधा खड़ा हो जाते ना हो। हाँ अब थोड़ी थोड़ा डर लगना शुरू हुआ हमारे दिल में धक धक हुई। ठीक हो तुम लोग? भाई सही में थोड़ी थोड़ी खुशी हो रही है। भाई साहब क्या, ओ भाई गया ऊपर, गया गया। ओ भाई गुदगुदी हो रही है और बढ़ रही गुदगुदी धीरे धीरे, जैसी ऊपर जा रहे वैसे। हाँ नीचे जाते वे अब हुई पूरी बॉडी में। हाँ पर ओ यार वही गुदगुदी हो रही भाई। फोन का डर है, फोन ना गिरता गलती से। ओ भाई देख रहे हो कहाँ है हम? पीछे देखना, इनकी तो हालत खराब हो गई भाई। तो अभी तक तो अभी आगे का पता नहीं हमारा भी। और ऊपर जाने लगे भाई ये तो। ओ भाई, ओ भाई, अब तो ज्यादा ऊपर जा रहा है भाई, अब हो रही हालत खराब। ओ भाई इनकी तो हालत खराब हो गई, हालत खराब हो गई इनकी तो। ओ भाई कसम से बहुत ऊपर जा रहा भाई, अब तो हालत खराब हो गई, हालत खराब हो गया। ओ यार भाई गद्दी से सीट से ना उठ जा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर हमार। ये देखना, देखो थोड़ा सा ऊपर उठे ना सीट से भाई। नहीं भाई हालत खराब हो गई थी आज भी भाई, हालत खराब पहली बार जिंदगी में। तुम्हें नीचे खड़े होकर मौत का खेल देख रहे थे। मजा आया पर पहली बार मुझे उल्टी का मन हुआ, पहली बार ना हुआ आज। चलो चलते हैं भाई, झूल लिए बहुत झूले। और यहाँ देखो भाई इन दोनों को क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हम ऐसे ही बैठ के जाएंगे आज गाड़ी में। ये देखो भाई गाड़ी की डिग्गी में बैठे हुए, क्यों बैठे हुए? अरे हम वहाँ तो सही गए थे कि तब आया था, जाने की दिक्कत हो गई कि जाएं कैसे कैसे। तो इन दोनों को डिग्गी में बैठा दिया है भाई, हम कंफर्टेबल है, तुम बैठ जाओ आगे जाके जाओ। चलो चलो ठीक है ठीक है। तो भैया हम दोनों तो जाएंगे डिग्गी में बैठ के, देखो कितनी जगह में ये बेचारा कैसे बैठा है, एक टांग अंदर एक टांग बाहर। देखो सबके सब देखेंगे आज तो, हमें सबके सब देखेंगे भाई, आज तो रिएक्शन तगड़ा ही मिलेगा। डर लग रहा है कि डिग्गी आके ना हमारे मुंह पे ना लग जाए भाई, मुंह पे ना लग जाए एकदम आके। इसी मैं पकड़ तो रखी, पकड़ रहे थे। और देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है हमारा बाहर को, ये सबके सब देख रहे हैं कैसे कैसे जा रहे हैं। देखो रिएक्शन कितने तगड़े तगड़े आ रहे हैं। इन्हें देखो हमारा पीछा मत करो भाई, पीछे बैठने का भी अलग ही मजा है। मजा बिगिना मजा है, मजा आ गया भाई। पहुंच गए हम भैया फाइनली घर। देखो ऐसे बैठ के आए थे हम इसके अंदर दोनों के दोनों। तो दोस्तों
कल मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।